मेयर में समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में ग्रामीणों ने शराब दुकान हटाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के कई प्रयास के बाद भी जब शराब दुकान नहीं हटाई गई तो समाजवादी पार्टी को मैदान में आना पड़ा। मेहर के देहात थाना क्षेत्र के ग्राम कंचनपुर में शराब कंपनी के द्वारा अवैध रूप से शराब दुकान खोलकर शराब की बिक्री की जा रही थी, जिसको हटाने को लेकर शासन प्रशासन तक ग्रामीण जनों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन जब ग्रामीणों की बात नहीं सुनी गई तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सभी ग्रामीणों ने दुकान के सामने धरना दिया और शराब दुकान हटाने की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद आबकारी अधिकारी सोनिया ठाकुर अपने बल के साथ मौके पर पहुंची और दुकान में पाई गई 8 पेटी शराब के आधार पर जब्ती करते हुए मकान मालिक समेत एक अन्य पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो हमारी तो सबसे पहले बड़ी मांग ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जाए। इससे अगर शराबबंदी होगी तो हमारे घर की जो हमारी बहनें हैं उनके घर के लोग जो दारू पी के घर आते हैं और उत्पाद मचाते हैं, सबसे बड़ी पहले ये निजात मिलेगी हमारे बहन बेटियों को, सबसे बड़ी बात। इसी मुद्दे में हमारा आज प्रदर्शन है कि सबसे पहली बात सरकार पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी करे। जो आबकारी अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि वो हमने बंद करा दिया था, ये आते हैं 2 दिन के लिए बंद कराते हैं, फिर अनैतिक तरीके से फिर दुकानें का संचालन शुरू हो जाता है। इसलिए मेरी प्रशासन को चेतावनी है कि अगर जो है ऐसी जो शराब कंपनी ने अगर अवैधानिक तरीके से दुकान खोला तो अभी तो हम सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो लठ वाला भी आंदोलन शुरू करवाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।